एवरीवन, आज है 28 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मनपसंद बेवरेजेस के बारे में। देखिए, 2 दिन में दो इसने लोअर सर्किट लगाई है और वो भी 20-20% की दो लोअर सर्किट लगी है। मतलब आप कह सकते हैं कि अराउंड 40% तक ये शेयर गिर चुका है। 2 दिन पहले इस शेयर की वैल्यू 110 रुपये हुआ करती थी, आज 70 रुपए हो चुकी है। 70 रुपए, 40 रुपए से भी ज्यादा ये शेयर गिर चुका है। तो उसका रीजन हम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आखिर इसमें जब इतनी ज्यादा गिरावट आ चुकी है तो क्या इसमें हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं। देखिए, ये वो स्टॉक्स है जिसके ऊपर नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है हाल फिलहाल में, और क्यों उसके बारे में भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 70 रुपीज पर ट्रेड करा है, आज 20% की गिरावट है, 17 रुपए से भी ज्यादा ये शेयर गिर चुका है। पिछले एक हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो पिछले एक हफ्ते में मनपसंद बेवरेज इसमें तक 30% से भी ज्यादा की गिरावट है, 30% से भी ज्यादा की गिरावट। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा दूरी की बात नहीं है। 110 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड हुआ करता है, 110 रुपए के ऊपर एक बड़ी लोअर सर्किट लगी कि कल ये शेयर ट्रेड होने लगा 88 रुपीज, 88 रुपए पर ट्रेड करने लगा। आज एक और बड़ी लोअर सर्किट लगी और ये शेयर 70 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लग गया। 2 दिन में ये 40% से भी ज्यादा खा चुका है, 40% के आसपास का आपका प्रॉफिट खा चुका है। ये देखिए, माइक्रो कैप स्टॉक है, एसएमसीजी सेक्टर से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, 806 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड आप अगर देखेंगे तो 1,90,000 वॉल्यूम ट्रेड है, क्योंकि देखो अभी कोई इसको खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, और जब तक तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है लोग इसको बेच भी नहीं पा रहे हैं, लोग इसको बेच भी नहीं पा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको सैटरडे या संडे को ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, और मैंने कहा था कि अगर आपके पास है तो बेच कर निकल जाइए, क्योंकि बहुत भयंकर गिरावट आपको इसमें देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें दिसंबर के नतीजे, देखिए नतीजे इनके दिसंबर के अच्छे आए थे, नतीजे उतने बुरे नहीं थे, लेकिन पिछले क्वार्टर से के कंपैरिजन में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो थोड़ा सा बेटर था, लेकिन नेट सेल्स इनके उतने अच्छे नहीं देखने को मिले। दिसंबर 2017 की बात करें तो 143 करोड़ का इनका नेट सेल्स है, सितंबर 2018 में ये 174 करोड़ के आसपास का रहा, दिसंबर 2018 में ये 163 करोड़ के आसपास का रहा। नेट प्रॉफिट की भी अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2017 में ये नेट प्रॉफिट 12 करोड़ के आसपास का था, और सितंबर 2018 में ये 8.42 करोड़ तक पहुंचा, बहुत भयंकर गिरावट आई। लेकिन दिसंबर 2018 में ये 9.84 करोड़ तक पहुंचा, मतलब थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में, ऑलमोस्ट 17% का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिला। और देखो इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, सबसे अच्छी बात यहाँ पे इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। 18.64 का जो प्रॉफिट मार्जिन दिसंबर 2017 में था, सितंबर 2018 आते आते उसमें गिरावट आई 16.35, लेकिन दिसंबर 2018 में 22.56 का प्रॉफिट मार्जिन रहा, मतलब अच्छी चीज है यहाँ पर। लेकिन दिक्कत है यहाँ कुछ और है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 44.33% की है, FIs की होल्डिंग 9.12% की है, म्यूचुअल फंड भी बहुत ज्यादा है भाई, 11.62% म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी ने हालांकि इसमें हाथ नहीं डाला है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 17.28% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। अदर DIIs की बात करें तो वो भी 17.65% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। अब प्रमोटर्स के पास 44.33% की होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर्स के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है ये। 4 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है और 18 FIs भी इसमें इन्वेस्टेड हैं, और देखिए सिर्फ म्यूचुअल फंड स्कीम सिर्फ 4 ही है इसमें इन्वेस्टेड, लेकिन उनका मतलब आप देखिए 11.62% की होल्डिंग है इन चारों को मिलाकर। अगर प्रमोटर्स विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करेंगे तो धीरेन्द्र हंसराज करके हैं, धीरेन्द्र हंसराज सिंह करके हैं, जिनके पास
44.32% की होल्डिंग है, हाईएस्ट पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो सेफ पार्टनर्स इंडिया लिमिटेड है जिनके पास 17.57% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.18% की है। और आप देखिए 5% का डिविडेंड भी ये पे कर रहा है, 50 पैसे आपको पर शेयर यहाँ पर मिल रहा है। मनपसंद बेवरेजेस अगर आपको पता हो तो देखिए इनके कम इनके जो प्रोडक्ट्स है वो काफी बेहतर प्रोडक्ट्स है। और तो और आप आपने टीवी पर इसकी एड भी काफी ज्यादा देखी होगी, खास करके क्रिकेट मैच के दौरान। और मनपसंद बेवरेजेस में जो न्यूज निकल के आ रही थी जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके एमडी को अरेस्ट किया गया है, देखिए एमडी को अरेस्ट किया गया है, और इसी वजह से 20% की लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लग इसमें लग के चली जा रही है। और देखिए टॉप मैनेजमेंट वॉज अरेस्टेड बाय सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स कमिश्नरेट। व देखो तो जीएसटी की जो कमिश्नर है जीएसटी की जो है उन्होंने इनको अरेस्ट किया है क्योंकि इन्होंने जीएसटी को जो फाइलिंग करना होता है उसमें घपला किया है। अब यहाँ पर है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स डिपार्टमेंट वडोदरा, सेड इन द स्टेटमेंट दैट द कंपनीज मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक सिंह, हिज ब्रदर हर्षवर्धन सिंह एंड द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर परेश ठाकर हैव बीन अरेस्टेड आफ्टर अ रेड ऑन मे 23। तो देखिए मे 23 को इनके वहां पर रेड पड़ी थी और उसमें इनको अरेस्ट कर लिया गया है। रीजन क्या है कि मल्टी लोकेशनल सर्विस वेज बी कंडक्टेड एट वेरियस प्रीमाइसेस ऑफ मनपसंद बेवरेजेस ऑन 23 में, द सर्चिस रिजल्टेड इनटू द अनविलिंग ऑफ अ ह्यूज रैकेट ऑफ क्रिएटिंग फेक यूनिट्स फॉर अवेलिंग द फंडामेंटल क्रेडिट्स एंड कमिटिंग टैक्स एविएशन रुपीज 40 करोड़ एंड इन्वॉल्विंग टर्न ओवर रुपीज 300 करोड़। तो यहाँ पर सेंट्रल सी जी एस टी मतलब के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है कि इनके जो अलग अलग लोकेशंस हैं वहाँ पर सर्च किया गया और फाइनली इनको पकड़ लिया गया। और आखिर किस चीज़ से पकड़ा है तो उनका ये कहना है कि काफ़ी बड़ा रैकेट इन लोगों ने चला के रखा था फेक यूनिट्स का, मतलब कि इन्होंने ऑन पेपर दिखाया है कि इंडिया में अलग अलग जगह पर इनके यूनिट्स हैं, मतलब इनके अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं और वहां पर और उस प्लांट में इन्होंने यहाँ पर फंडामेंटल क्रेडिट्स भी दिखाए थे कि वहां वहां पर इतना खर्चा हो रहा है। और ऐसा करके उन्होंने तकरीबन 300 करोड़ का जो टर्नओवर था उसमें घपला किया, जिसमें इनको 40 करोड़ का टैक्स पे करना था और इन्होंने 30 अलग अलग फेक यूनिट्स वहां पर मेंशन किए थे। देखिए स्टेटमेंट में ये बताया गया द इन्वेस्टिगेटर अनअर्थ द नेटवर्क ऑफ मोर देन 30 फेक यूनिट्स, देखो मोर देन 30 भी नहीं, 30 से ज्यादा फेक यूनिट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर वे यूज्ड टू कमिट फ्रॉड बाय इलीगल क्रेडिट। तो अलग इलीगल क्रेडिट के द्वारा यहाँ पर 30 यूनिट्स इन्होंने मेंशन करके रखे थे और इसी की वजह से इनको पकड़ लिया गया है। अब इनको आप कह सकते हैं कि फेक सेल्स कंपनी की तरह ये लोग काम कर रहे थे अपने क्रेडिट को छुपाने के लिए। हाउएवर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम फॉर द फ्रूट जूस मेकर इज इन द न्यूज, इट हैज लॉक्ड 20% लोअर सर्किट इन मई 2018 आफ्टर देयर सब्सिडियरी ऑडिटर क्विट। तो देखो ऐसा नहीं है कि मनपसंद में ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है 2018 में, 2018 में ये बात पहले भी हो चुकी है जब इसमें इतनी भयंकर तरीके से गिरावट आई थी। यहाँ पर अगर आप देखें 300 350 के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इसमें ऐसे ही एक शार्प फॉल भी देखने को मिला था और यही एक रीजन था उस वक्त के फेक ऑडिट करके इन्होंने घपला। मतलब चीजें ये है कि इन्होंने 30 फेक यूनिट्स ऑन पेपर दिखाए और उस ऑन पेपर यूनिट्स में इन्होंने 40 करोड़ के टैक्स का घपला किया और यहाँ पर इनको फाइनली पकड़ लिया गया है। तो देखिए अभी ये जो गिरावट है वो रुकने वाली नहीं है, लेकिन हमें इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। वो कैसे, देखिए इनका जो ऑडिटेड रिजल्ट है वो एक्चुअली आज आने वाला था लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कोई डेटा अभी तक अब आया नहीं है। जैसे ही उसके बारे में कोई डेटा आएगा डेफिनेटली हम उसके बारे में बात भी जरूर करेंगे। लेकिन अगर मनी कंट्रोल में जाओ देखें तो 47% बाइंग रिकमेंडेशन है, 47 सेल है, 6% होल्ड रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है। पीई काफी नीचे आ चुका है, 8.27 का पीए जबकि इंडस्ट्री पीई इसका 41.95 का है। बुक वैल्यू 108.90 की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.65, ईपीएस 8.51, डिलीवरीज 100 100 की डिलीवरीज यहां पर देखने को मिल रही है।
और तो और अगर हम यहाँ पर इनके अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल की बैलेंस शीट की बात करें तो 95 करोड़ के आसपास का कर्जा है इनके ऊपर। और आप देखिए टोटल असेट्स की बात करेंगे तो 1,340 करोड़ के टोटल असेट्स भी है। देखिए कर्जा को हम थोड़ा बहुत निग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए जो दिक्कत अभी इसमें बनी हुई है वो ये है कि इनका अगर मैं देख रहा हूँ, अगर इनका मैं नेट प्रॉफिट देख रहा हूँ तो मुझे क्वार्टर दर क्वार्टर भारी लॉस देखने को मिल रहा है। मार्च 2018 में ये 42 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हुआ करता था, जून 2018 में ये डिक्रीज होकर पहुंचा सीधा 36 करोड़ के आसपास। सितंबर 2018 में तो 8 करोड़ में सिमट के रह गया, हालांकि दिसंबर 2018 में थोड़ा सा इंक्रीज जरूर हुआ है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, 10 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ म्यूचुअल फंड होल्डिंग की तो देखिए मोतीलाल ओसवाल SBI, इन्होंने यहाँ पर लाखों में अपनी होल्डिंग फंसाई हुई है। तो हाल फिलहाल मनपसंद में जो गिरावट आ रही है मनपसंद बेवरेज इसमें वो अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। ये गिरावट कब थोड़ी सी संभलने की शुरुआत होगी, जब इनके जो MDO को पकड़ लिया गया है, अरेस्ट किया गया है, जब तक इनके बारे में कोई अपडेट नहीं मिलती कि आखिर इनको छोड़ दिया गया है या फिर आने वाले दिनों में क्या करेंगे, उस अपडेट के ऊपर हम इसमें थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं। अगर शेयर बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है ठीक है तब शायद एक अच्छा मौका हो सकता है इसमें बाइंग करने का। देखिए लो कितना हो सकता है वो मुझे यहाँ पर नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये 50 रुपये से भी नीचे ये शेयर जा सकता है और इसके ऊपर उठने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत कम चांसेस इसके दिखाई दे रहे हैं ऊपर उठने के, क्योंकि देखो ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2018 में सेम चीज ये लोग कर चुके हैं और 2019 में वही चीज रिपीट हुई है जिसने शेयर्स को और ज्यादा नीचे गिरा कर रख दिया है। तो हालांकि तो मेरी तरफ से मनपसंद बेवरेजेस को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो। ये वो शेयर्स है जिसमें आप इंट्राडे के लिए खेल के निकाल दो ठीक है, वो आप इसमें कर सकते हो, लेकिन हाल फिलहाल में इंट्राडे भी यहाँ पर एंट्री करना ही मेरे हिसाब से सेफ नहीं है। इसमें आप तब एंट्री कर सकते हो इंट्राडे के लिए ही, सिर्फ इंट्राडे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सिर्फ इंट्राडे के लिए भी आप तभी एंट्री कर सकते हो जब शेयर्स जब इनके MDs या इनके कोई रिगार्डिंग कोई अच्छी सी न्यूज निकल आए तब आप इसमें कर सकते हो, लेकिन हाल फिलहाल उसके चांसेस थोड़े बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मनपसंद बेवरेज में है तो बिल्कुल भी मत खरीदिए क्योंकि आपका पैसा ले डूबेगा ही। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।